हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ फर्जी किडनैपिंग की कहानी लिख ली झूठी। मुंबई के समता नगर पुलिस की हद में बीती रात करीब 1 बजे बाप बेटी और पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ड्रामे के मुख्य सूत्रधार है 16 साल की नाबालिग और उसकी भाभी। नाबालिग का पिता सिर्फ ड्रामे का मोहरा बना रहा और सुनता रहा पूरे ड्रामे की अलग अलग कहानियां, लेकिन पुलिस ने महज 2 घंटे में ही सुलझा दी ड्रामे की असली स्क्रिप्ट और हकीकत। फिलहाल ड्रामे की सूत्रधार नाबालिग की भाभी राजस्थान के सवाई माधोपुर से समता नगर पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये घटना 23 अप्रैल की रात करीब 12 बजे की है, जब सोनम सुनील यादव उम्र 23 वर्ष और उसकी 16 वर्ष के नाबालिग ननंद घर से ये बोलकर निकले थे कि वे नाइट वॉक करके वापस आ जाएंगे। सोनम और उसकी ननंद क्रांति नगर में रहते हैं। दोनों लोखंडवाला सर्कल के पास आकर एक बैंक के ATM से 1500 रुपए निकाले थे। इसके बाद सोनम एक ऑटो रिक्शा पकड़कर वहां से निकल गई। CCTV में ये घटना दर्ज हुई है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग खाकी वर्दी में कार से आए और उसकी भाभी सोनम को किडनैप कर भाग ले गए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को ये भी बताया कि भाभी ATM से पैसे निकालकर कहीं फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर के पास जाने की बात कह रही थी। नाबालिग की दोनों बातें पुलिस के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इस दौरान जोन 12 DSP डॉक्टर BS स्वामी भी देर रात करीब 2 बजे के पास पुलिस स्टेशन पहुंचे और नाबालिग से पूछताछ शुरू की। जब DCP स्वामी ने लड़की के पिता और उसको हिरासत में रखने की धमकी दी तो लड़की ने फर्जी किडनैपिंग से पर्दा उठाया और पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सवाई माधोपुर राजस्थान रेलवे स्टेशन से अपने हिरासत में लिया और समता नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तेईस अप्रैल को रात को एक 15 साल की लड़की उसके पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन में आई और उसके बहू का दो महिलाओं ने वैन में किडनैपिंग करके वैन में लेके गए, ऐसे हमारे पास कंप्लेंट आई। तब हमने तुरंत वो कंप्लेंट का गंभीर समझकर हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हाके साहब और हमारे DCP साहब डॉक्टर स्वामी साहब उनको ये बात बताई तो उन्होंने तुरंत टीम बनाकर वो महिला की खोज करने के लिए हमको आदेशित किया। उसी हिसाब से हमने बाद में महिला का मोबाइल का लोकेशन निकाला तो वो लोकेशन बड़ौदा आया, तो हमने तुरंत मैंने डिटेक्शन के टीम के साथ मैं खुद प्राइवेट वैन से बड़ौदा की तरफ गए। बाद में फिर से वो लेडीज़ का मोबाइल का लोकेशन निकाला तो लोकेशन कोटा रेलवे स्टेशन के पहले का लोकेशन आया, तो इसीलिए हमको ये समझ में आया कि जो गैप है वैन का तो ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमको हमने ऐसा सोचा कि वो वैन से नहीं तो रेलवे से जाती रहेगी। हमने ऐसा तर्क लगाया तो उसी समय कौन सी रेल बम्बई से उस तरफ जा रही है, ऐसा हमने देखा तो गोल्डन टेम्पल मेल वो उसी टाइम से जा रही थी, तो हमने कोटा रेलवे स्टेशन के कंट्रोल को हमने वो बात बताई कि ऐसे ऐसे एक लेडीज़ का किडनैपिंग करके वो रेल से जा रही होगी, तो तुरंत उसका तलाशी करने के बारे में हमने उनको बता दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा हमको हेल्प किया और वो रेल में उन्होंने सर्च किया तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पहले वो लड़की वो महिला वो रेलवे में बैठी थी, तो उन्होंने भी पूछताछ की तो लेकिन वो महिला अकेली रेलवे में थी, तो उन्होंने बाद में उन्हें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पे उसको उतारा। तो उतारने के बाद हम जब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वो महिला को हमने सुरक्षित रूप से ताबे में ले लिया और उसको पुलिस स्टेशन में लाकर उसको पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका किडनैपिंग हुआ नहीं था, वो अकेली खुद अपने मन से उसके बहन के इधर लुधियाना वो जा रही थी। तो उसको और पूछताछ करने के बाद उसमें समझ में आया कि उसका आदमी जो उसका पति उस पर संशय डाउट लेके उसको शिविकाल गाली गलौज करता था और उसको मायके जाने का था बहन के पास, लेकिन वो मना ही कर रहा था, इसलिए वो खुद ट्रेन से वो गई और उसने अपने ननंद को ये बताया कि ऐसा ऐसा बनाओ करके घर वालों को बताओ और मैं भी ऐसा ही बताऊँगी, ऐसा उसने बनाव किया था। वो किडनैपिंग उडनैपिंग कुछ नहीं था, ऐसा बाद में सर्च सामने आया, फिर भी वो और इंक्वायरी तलाश चालू है, इसमें और क्या क्या है वो डिटेल में इंक्वायरी चालू है।